बाउशिल क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज बनाई है, आपका सबसे पसंदीदा पिज्जा। मम्मी आपको बाहर का पिज्जा खाने नहीं देती ना, लेकिन अभी मम्मी ही आपको पिज्जा बना के खिलाएगी। पता है कैसे? मम्मी गेहूं का आटे का यूज करेगी, चपाती से बना हुआ पूरी सब्जियों का, पूरे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स से बना हुआ, ऐसा जो जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, ऐसा फेवरेट पिज्जा मम्मा बना के खिलाएगी। मम्मा को वही मैं सिखाने वाली हूँ, अगर चाहिए तो अब भी ट्राई करना। हेल्दी न्यूट्रिशियस पिज्ज़ा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है कैरेट, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, पोमोग्रेनेट्स एंड कैबेज, थोड़े से कटे हुए टोमेटो और धनिया। पिज्ज़ा की सब्ज़ी के लिए हमें चाहिए थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, और पिज्ज़ा के ऊपर स्प्रेड करने के लिए हमें थोड़ा चीज़ चाहिए, टोमेटो सॉस चाहिए। अब इसके डो के लिए मैंने घर में ही गेहूं के आटे को गून लिया है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है, अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ। हमारा तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, मैं अभी कैप्सिकम डाल रही हूँ, उसके बाद मैं स्वीट कॉर्न डालूँगी। स्वीट कॉर्न के बाद हमें कैरेट डालना है, कैबेज डालना है, सिर्फ पोमोग्रेनेट अभी नहीं डालना है, क्योंकि पोमोग्रेनेट अगर पक जाएगा तो उसकी टेस्ट चली जाएगी। इसीलिए पोमोग्रेनेट का इस्तेमाल हम लोग जब भी पिज्ज़ा बेक करने के लिए तवे पे रखेंगे तभी इस्तेमाल करेंगे। अभी सिर्फ हमें सारी सब्जियां स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे से हाफ कुकिंग होने तक ही पकानी है। हमें इन सारी सब्जियों का यूज़ करना है क्योंकि कैरेट में विटामिन ए होता है, कैप्सिकम में विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, स्वीट कॉर्न से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, टमाटर अभी मैंने जो डाला है कटा हुआ उसमें भी विटामिन सी होता है। सो, ये पूरा जो पिज्ज़ा है न्यूट्रिशन से भरा हुआ, विटामिन से भरा हुआ, और बहुत सारे उसमें फाइबर्स होने की वजह से डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है, जो कि मैं अभी आयरन की कढ़ाई में पका रही हूँ, तो इनडायरेक्टली बच्चों के बॉडी में आयरन कंटेंट भी जाता है जो कि बच्चे नहीं डायरेक्टली ले पाते हैं, और आयरन कंटेंट जाने की वजह से इम्यूनिटी भी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है, और हमेशा हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो कि बच्चों को पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, बाहर का पिज्ज़ा हमें देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, और हम लोग वो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं जो बच्चों को हानिकारक है, और ये सभी चीज़ें बच्चों को बहुत बेनिफिशियल है। अभी मैं उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा स्वादानुसार नमक डालना है हमें, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर डालनी है हमें, ब्लैक पेपर पाउडर डालनी है, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक सिर्फ पकाना है। ये अब रेडी हो गई है। गेहूं का डो लिया है, उसको मैं हमेशा हम लोग जैसे चपाती करते हैं बीच में तेल लगा के, वैसे ही तेल लगा के मैं चपाती बनाने वाली हूँ, लेकिन इसकी चपाती थोड़ी थिक होती है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और सॉफ्ट भी रहे। ये मैंने चपाती तैयार कर ली है, अभी मैं उसको गरम तवे में डालने वाली हूँ। दोनों साइड से घी डाल दूँगी और एक ही साइड से हमको इस चपाती को पकाना है। जिस साइड से हमको पकाना है उसी साइड पे हम लोग सब्ज़ी डालेंगे और एक साइड वैसे ही रहने देंगे। अभी मैंने इस चपाती को अच्छे से बटर स्प्रेड कर लिया है। बटर स्प्रेड होने के बाद मैं उसको टोमेटो
सॉस जो हम लोगों ने लिया है वो लगाऊंगी। टोमेटो सॉस स्प्रेड होने के बाद हमें जो सब्ज़ी हमने पिज्ज़ा के लिए बनाई है वो सब्ज़ी उसके ऊपर डालनी है। अच्छे से सब्ज़ी स्प्रेड होने के बाद मैं उसके ऊपर ग्रेट करके डालने वाली हूँ। और जो चपाती की साइड है जो हम लोगों ने पकाई नहीं है उसी साइड से मैं उसको तवे पे रखने वाली हूँ ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। और बच्चों को ये पिज्ज़ा बहुत सुंदर लगेगा, बहुत हेल्दी पिज्ज़ा है ये, जिससे इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है। बच्चों को पूरे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स सब मिलते हैं। और ज़्यादातर मैं आयरन के चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैंने ये जो पोमोग्रेनेट डाला है उसके ऊपर, उससे हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ता है बच्चों का, और ऐसे भी बच्चों फ्रूट खाने में बोर हो जाते हैं तो इसकी वजह से फ्रूट्स भी उनके पेट में अच्छे से चला जाता है। माँ भी हैप्पी होती है, बच्चे भी हैप्पी होते हैं और उस पिज्ज़े का टेस्ट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। अभी मैं ये तवे पे डाल दिया है। चारों साइड से अच्छे से घी या बटर हम लोग कवर कर सकते हैं और उसके बाद में लीड कवर करके एक मिनट के ही अंदर हमारा पिज्ज़ा रेडी हो जाता है। देखिए बहुत डिलीशियस पिज्ज़ा हो चुका है, क्रिस्पी भी हो चुका है नीचे से। अभी हमको उसको निकालना है और हमारा पिज्ज़ा रेडी है खाने के लिए। चलिए मैं अभी उसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। पोमोग्रेनेट की चीज़ की सब्जियों की खुशबू बहुत सुंदर आ रही है। अभी ये पिज्ज़ा मैं पिज्ज़ा कटर से कट ना करके सीजर से कट कर रही हूँ ताकि जो ऊपर की सब्जियाँ है उसका टेक्सचर डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए मैं सीज़र का इस्तेमाल करके चार पार्ट करूँगी ताकि हमको खाने में भी इजी हो जाए। मेरा पिज्ज़ा कट करके रेडी है, न्यूट्रिशियस हेल्दी पिज्ज़ा, बहुत सुंदर लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।